नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, भारतीय किसान मजदूर संगठन का राष्ट्रीय प्रवक्ता। और अभी आप हमारे सामने सब युवा चेहरे किसानों के पीछे लाल किला, और मैं आपको बताना चाहता हूं जिस तरीके से चैनलों में बैठ करके एंकर हमारे किसानों आंदोलन को भाई हिंसक आंदोलन बता रहे, दंगाई बता रहे, मैं उन सबको बताना चाहता हूँ कि यहाँ कोई पुलिस व्यवस्था नहीं, कोई किसी प्रकार की पुलिस फोर्स नहीं है। तमाम फ्री 8:15 ज्यादा का समय हो चुका है, और पीछे लाल किला है, हमारे टीपी बॉर्डर से लेकर के सिंगापुर से लेकर के और गाजीपुर बॉर्डर के जो किसान यात्रा चल रही है, ट्रैक्टर परेड, लोग निरंतर यात्रा कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं लाल किले में, और ये सिलसिला लगा हुआ है। अभी जो ट्रैक्टर पहुंचा युवाओं का, आप वही पहुंच पाए ना सब लोग, आप कहा था सिंगो बॉर्डर से आए, सिंगो बॉर्डर के साथ ही युवा हमारे आए हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो उदारता सरकार ने अब बरती है, अगर यही पहले बरती होती, एक साइड से सब लोगों को प्रवेश करने देते, तो आज हमारे एक 24 साल के युवा किसान नवनीत सिंह की शहादत नहीं होती, हमारे किसानों पर आंसू गैस के गोले की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन बहुत बड़ी क्रोनोलॉजी है, जानबूझ करके मोदी सरकार पहले कोरोना काल में 3 काले कानून लाई, और अब हमारे किसानों को आजादी के 7 दशक बाद पहली बार हुआ किसानों को प्रवेश निषेध कर दिया गणतंत्र दिवस पर, और किसान जिद पे थे, किसान आए हैं। और मैं एक बात बताना चाहता हूँ मोदी सरकार को, हमारे किसानों ने जो ठान लिया है उसको हासिल करके रहती है। किसानों ने तय कर दिया है 3 काले कानूनों को हटाना होगा, और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाना होगा, अन्यथा मोदी सरकार को जाना होगा। और जब मोदी सरकार की विदाई होगी, नई सरकार आकर ये काम करेगी, ये बात भी हम मोदी को कहना चाहते हैं। इसलिए आज बहुत गणतंत्र दिवस के अवसर पर किसान आंदोलन को बदनाम करने की बजाय नरेंद्र मोदी और संघ परिवार अपने गिरेबान में झांके, और इन 3 काले कानून को खत्म करे, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी का कानून बनाए, ताकि किसान अपने घर वापसी कर सके। जब तक ये बातें नहीं होंगी, किसानों की घर वापसी नहीं होगी। मोदी सरकार मुर्दाबाद। आप पहले कुछ बोलेंगे, कुछ बोलिए ना प्लीज। वी नो वेरी वेल अबाउट अवर सेल्फ, वी बिलोंग टू पंजाब एंड हरियाणा। ये हम इंग्लिश में तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये जो केंद्र की जो सरकार है ना, उन्हें लगता है कि वी आर नॉट एजुकेटेड। ये जितने भाई खड़े हैं सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब है ना, इनको ये बात नहीं समझ आ रही है कि आप ये धक्का कर रहे हो हमारे साथ, ये हम सहन नहीं करेंगे। हम जिस स्टेट से आते हैं, हम जिस धर्म से बिलोंग करते हैं, हम उसमें धक्का बिल्कुल नहीं सहते। आपका पूरा नाम? मेरा नाम इंदरजीत सिंह है, और मेरा पंजाब में खुद का अपना चैनल है, वेब चैनल है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि यहाँ सब लोग पढ़े लिखे हैं, इन्होंने कोरोना की आड़ में जो हमारे ऊपर थोपना था, इन्होंने थोप दिया। लेकिन ये खड़े हैं, आप कैमरा घुमाइए, ये खड़े हैं, और ये जाएंगे नहीं। अभी तो सुनिए, अभी इनके बंदे बीच में आ गए हैं, मोदी सरकार के, बीजेपी के, आरएसएस के, वो संघर्ष को खराब कर रहे हैं। मैं सभी नौजवान भाइयों से बेनती करता हूं, चाहे वो पंजाब से या हरियाणा से या किसी भी स्टेट से, अपने किसान जत्थेबंदियों का साथ दें। किसान मजदूर एकता का हम अभी बात कर रहे हैं कि अगर आज हमारा ये निशान साहब लग गया, तो कई लोगों को इस पे बवाल हुआ, तो जिनको इस पे बवाल हो रहा है, मैं उनको बेनती करना चाहता हूँ कि कृपया पीछे जाएं, हिस्ट्री पढ़ें, तो आपको हिस्ट्री में मालूम होगा कि जो हमारे बाबा बंदा सिंह जी बहादुर थे, उन्होंने आके किसान भाइयों को उनकी जमीनें दबाई थी। ये गुरु की फौजें खड़ी हैं, ये गुरु गोविंद साहब पातशाह के पुत्र हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। ये जो लड़की खड़ी है, ये इसकी सिक्योरिटी के लिए खड़ी। इतना बड़ा आंदोलन हो गया, इतने बड़े आंदोलन में एक भी शरारत नहीं हुई, उसका पर्टिकुलर रीजन है क्योंकि ये लोग सिक्योर कर रहे हैं, इनसे डरने की। एक बड़ी बात आपने देखा कि पढ़े लिखे युवा किसान ने बताया, जिस तरीके से अभी हमारे सिंगू बॉर्डर में हथियारधारी बदमाश पकड़ा गया था, उसी प्रकार आपने देखा होगा कि शाहीनबाग में गोलीबाग, और आपने जामिया विश्वविद्यालय में जो गोलीबाज पकड़े गए थे, जिनका शाहीनबाग का गोलीबाज था, जामिया पे गोलीबाज था, और सिंगू बॉर्डर में हथियारबाज था, उसी के गुंडे और हाथ पत्थरधारी आए थे हमारे किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए। हमारे बीच में युवती भी है, और देखिए निर्भीक होकर के किसान आंदोलन में। और एक बड़ी बात, कोरोना पर जो सवाल उठा है, इस पर भी मैं कहना चाहता हूँ, 7 महीने हो गए जुलाई से हमारे किसान
खुले आसमान के नीचे पहले रेल की पटरियों पर लड़ते हुए और अब दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। न कोई कोरोना का भय, न मास्क जरूरी, न शारीरिक दूरी, लेकिन खुले आसमान पे नीचे रह करके तीन काले कानून को हटाने के लिए संघर्ष आंदोलन करने की है मजबूरी। मैंने बीच में इनको रोका, कोरोना के ऊपर मैं जवाब देना चाहता हूँ। मेरा नाम है इंद्रजीत सिंह, 7719763504। मेरे ने अपना फोन नंबर बोल दिया, मोहाली 7719763504। मेरा भी वेब चैनल है। कोरोना काल में मैंने 7 महीने ड्यूटी की है। मैं अंदर का सब जानता हूँ, कोरोना किस लेवल का कोरोना था। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि 7 महीने में मोहाली का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो अपना पूरा वही खाता चेक कर ले कि इंद्रजीत सिंह जो वहां पे ड्राइवर था उसकी कब कब आपने रिपोर्ट ली, कब कब उसको कोरोना हुआ, क्योंकि हमारा कोई भी उन्होंने सैंपलिंग नहीं लिया। और हमारी फ्रंटलाइन की जॉब थी, इन्होंने हमें यूज करना था, कोरोना की आड़ में धक्का करना था। लेकिन जैसे ही हम किसानों के साथ आते हैं, आई एम ड्राइवर प्रोफेशन से, मैं ड्राइवर हूँ, जब मैं किसानों के साथ आता हूँ तो मोहाली हमारे पंजाब से वो हेल्थ डिपार्टमेंट हमें निकाल देता है। तो भाई साहब जो जो सिस्टम के खिलाफ बोलेगा उनको नौकरियों से निकाल दिया जाएगा। मेरे पास अभी आईडी कार्ड नहीं है, मैंने अपना फोन नंबर डाल दिया है, जिसको कोई भी आईडी कार्ड की जरूरत हो तो कृपया मुझे संपर्क कर ले, आपको व्हाट्सएप कर दूंगा, चेक करवा ले कि पंजाब गवर्नमेंट की स्टैंप है, किस डायरेक्टर के उसके ऊपर साइन है। लेकिन सिस्टम क्या है, सिस्टम ये है कि हम जितना मर्जी बोल ले, ये सरकार ना, ये सरकार को सुन नहीं रहा अभी, अभी इसको सुन नहीं रहा, लेकिन ये इधर कमाए। दिव्या जी हमारे साथ में है, किसान आंदोलन में आपकी बात हुई। अच्छा, अब सवाल के लिए आए थे। अब एक चीज है कि मैं हरदोई से हूँ और राष्ट्रीय कृषि प्रवक्ता हूँ, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि कृषि मंत्री तोमर साहब ये कहते हैं कि किसानों की सारी जमीनें जो है जो 200 वर्ष अंग्रेजों ने राज किया, जिन्होंने लेखपाल के जरिए जमीनें नापी और डीएम ने उसको सर्टिफाई किया, फिर उसके बाद वो कहते हैं कि हम दोबारा इसको नापेंगे और दोबारा करके किसानों को अच्छे बीज देंगे और उनकी फसल को जो है बड़े बड़े जो अडवाणी जो अंबानी है उनकी फसल को खरीद लेंगे। तो ये आप ये बताएंगे कि आज किसान को जो 22 बीघा जो है 22 बीघे का काश्तकार एक गवर्नमेंट की तरफ से 22 बीघे का काश्तकार को ट्रैक्टर मिलता है और छोटे को नहीं मिलता। तो आप बताएंगे कि तोमर साहब की ये किसान की फसलें किस भाव में बिकेंगी और कहाँ बिकेंगी? अगर गुजरात में अच्छे पैसे मिलते हैं तो क्या ट्रैक्टर से लाद के अपनी फसल वहां ले जाएगा? कितना खर्चा आएगा? 80 रुपए डीजल है। इसके बावजूद आप कहते हैं कि किसानों की जमीनें हम दोबारा नापेंगे। दोबारा नापने का क्या मतलब हुआ कि जब व्यक्ति 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, उन्होंने जो है डीएम ऑफिस से लेखपाल को किया, पुलिस डिपार्टमेंट को साथ दिया, तो इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं कि हमारी धान की ट्राली जाती है, आज की जो है मनमाना कहता जी आज ये भाव बिकेगा, तो या तो किसान वापिस ले जाए या उस भाव पे दे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।